हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 2.1। ये है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। तो इसमें आपने ये बताना है कि जो एक्सप्रेशंस है ना ये वन वेरिएबल में है या मोर देन वन है, तो वो आपने सेलेक्ट करने हैं जो वन वेरिएबल में है। अब ये वन वेरिएबल क्या होता है, जैसे जो वेरिएबल है वो एक ही है, जैसे x है, x स्क्वायर है, x कुछ भी हो, मतलब है x ही, चाहे वो तीन बार आए चार बार आए। अगर उसमें y भी आने लग जाए, जैसे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, तो ये दो तीन वेरिएबल अलग अलग हो गए, x भी हो गया, y भी हो गया, z भी हो गया। तो उनमें आपने सेलेक्ट करने हैं जो वन एक्सप्रेशन में, जैसे फर्स्ट में केवल x है, x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ये है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, तो ये वन वेरिएबल में, तो आपने सेलेक्ट करने थे, तो आंसर में ये आ जाएगा। तो वन जैसे एक नंबर है, तो हम आंसर में लिख देंगे वन। फिर आगे है दूसरा है y स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2, इसमें केवल y है तो 2 भी हो जाएगा, ये भी वन वेरिएबल है। तीसरा है स्क्वायर रूट t प्लस t स्क्वायर रूट 2, इसमें भी एक ही है, t है, तो तीसरा हो जाएगा। उसके बाद है y प्लस 1 बाय 2 बाई वाई, ये भी वन वेरिएबल है तो 4 भी हो जाएगा। उसके बाद है x tan y 3 t 50, x tan प्लस y 3 प्लस t 50, इसमें तीन आ गए x y और t, तो मोर देन वन वेरिएबल है। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे, इसमें काउंट करेंगे, काउंट में केवल पहले चार आएंगे। राइट द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, अब कोई भी इक्वेशन है उसमें आपने एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट लिखने हैं। तो देखो एक्स थ्री का कोफिशियंट जो एक्स के सामने है वो, अब ये कोई नंबर नहीं है, तो कोई नंबर ना हो तो एक तो होता ही है, तो इसका एक्स थ्री का कोफिशियंट है प्लस 1, एक्स स्क्वायर में ये कोफिशियंट है माइनस और कोई नहीं है तो 1 है, तो हम कहेंगे कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। तो सारे ऐसे ही है, एक ये है जैसे पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसमें करेंगे कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसमें कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये क्या है पाई बाई, तो जो उसके साथ मल्टीप्लाई है ना उस टर्म के साथ, एक्स स्क्वायर वाले टर्म के साथ, वही उसका कोफिशियंट होता है, साइन साथ लेना। चलो ये हो गया। थर्ड में देखिए, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाई, अब ये देखो इसमें जो पॉलिनोमियल हैं, अगर उसमें एक ही टर्म है तो होती है मोनोनोमियल, अगर दो टर्म्स हैं तो बाइनोमियल, तीन टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल, ऐसे चलते जाएंगे, ऐसे ही डिग्री होती है। अगर हाईएस्ट डिग्री 100 है तो पावर 100 है तो उसकी डिग्री 100 मानी जाती है, हाईएस्ट पावर 200 है तो डिग्री 200, हाईएस्ट पावर ओनली 3 है तो डिग्री भी 3 है, तो वो डिग्री में और मोनोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब उसमें तीन टर्म्स मिलेंगी, जैसे मैंने लिख दिया x रेज टू पावर 100 केवल इतना, तो एक ही टर्म है इसमें तो मोनोनोमियल, मैंने 5 लिख दिया मोनोनोमियल, मैंने x स्क्वायर लिख दिया मोनोनोमियल, मैंने माइनस 3 लिख दिया मोनोनोमियल, क्योंकि एक एक टर्म है। अगर मैंने लिख दिया x स्क्वायर प्लस 5 तो दो टर्म्स होगी 1 2, टर्म्स काउंट करते हैं प्लस या माइनस के साइन से, अगर मल्टीप्लाई का साइन है जैसे ये आ जाए एक्स स्क्वायर इंटू में 5, ये एक ही टर्म मानी जाती है, दो टर्म नहीं होती, ये कोफिशियंट में आ जाएगा 5x स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई या डिवीजन वाली एक ही टर्म होती है, लेकिन प्लस या माइनस बीच में आ जाए तो वो टर्म्स बढ़ जाती है, तो ये टर्म्स हो गई। तो इसमें एक तो बाइनोमियल 35 डिग्री का, तो इसको लिख देंगे x रेज टू पावर 35, तो बड़ी से बड़ी पावर 35 होगी डिग्री, प्लस में कुछ लिख दो x लिख दो, ये बाइनोमियल होगा क्योंकि दो टर्म है, और मोनोनोमियल ऑफ 100 डिग्री, ये मोनोनोमियल हो गया, एक डिग्री मतलब 100 डिग्री होगी लेकिन टर्म एक ही है x, तो उसके आगे कुछ नहीं लिखा, तो ये मोनोनोमियल ये बाइनोमियल, तीन टर्म आ जाए तो ट्राइनोमियल, ऐसे। नेक्स्ट, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे लिखी हुई चीजों में डिग्री बतानी है, तो डिग्री सबसे बड़ी पावर है, जैसे ये है 5x3 प्लस 4x2 प्लस 7x, इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है 3, तो हम कहेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल
इज इक्वल टू। तो जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है। या ये है आपका वाई माइनस 4 माइनस वाई स्क्वेयर। तो बड़ी पावर क्या है? वाई स्क्वेयर है पावर। तो हम कहेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 2। अब ये है केवल 3 दे दिया, तो अब क्या कहेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? इसमें तो एक्स ही नहीं है, तो जब नहीं होना तो जीरो पावर होती है। हम इसको ऐसे लगा सकते हैं 3x पावर 0। अब ये जीरो पावर केवल x पे है, 3 पे नहीं है, तो 3 x पावर 0। तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0। देखो किसी भी पावर पे आपने पहले भी पढ़ाया है, मान लो हमने कोई भी रकम लिख दी है सारी भी, कोई x² (y) (z) (2) और सारे की पावर 0 कर दी, तो जो ब्रैकेट के ऊपर 0 पावर है ना, उसके उस पूरी ब्रैकेट का आंसर आता है 1। पावर 1 नहीं, पावर तो 0 है, आंसर 1 आता है। जो कितनी भी चीजें लिखी हुई उसके अंदर ब्रैकेट बंद करके हमने ऊपर 0 लगा दिया, पावर 0, इसका मतलब आंसर 1 होता है। तो इसके हमने 1 था, यहाँ पे हमने 1 की जगह x पावर 0 कर दी, क्योंकि x रेज टू पावर 0 मींस 1, तो 1 तो था यहाँ पे, तो पावर कितनी बड़ी? डिग्री 0। ये लास्ट वन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसमें 3-4 तरह की चीजें देनी है, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो लीनियर वो होती है जो मोनोनोमियल होता है। लीनियर कौन से होता है? मोनोनोमियल तो नहीं, लीनियर वो होता है जिसमें डिग्री 1 हो, यानी x प्लस 5, ये मोनोनोमियल है, या केवल 5 लिख दें। तो मोनोनोमियल वो होता है ना, मोनोनोमियल ये इसमें दे रखा है लीनियर, लीनियर इक्वेशन। मोनोनोमियल में तो एक ही टर्म होती है, लीनियर में होता है जो वेरिएबल है इसकी पावर कितनी होनी चाहिए? 1, वो मोनोनोमियल है ना लीनियर। क्वाड्रेटिक होता है पावर 2 हो जाए, ये आ जाए ये पावर 2 है, या ये भी आ सकता है 3x + 5, या केवल ये भी आ सकता है, ओनली ये भी क्वाड्रेटिक है। तो जब बड़ी से बड़ी पावर 2 आए, इफ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशन इज 2, देन इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। अगर पावर 3 आ जाए, x³ + x² + x वगैरह भी आ जाए, तो ये हो जाता है एक्सप्रेशन विद डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक एक्सप्रेशन या क्यूबिक इक्वेशन। तो जिसपे 2 डिग्री वो क्वाड्रेटिक, जिसपे 1 डिग्री वो लीनियर, क्योंकि इसका ग्राफ खींचेंगे तो सीधी लाइन में आएगा, इसको लीनियर बोलते हैं। ये क्वाड्रेटिक होगी, और जिसपे 3 डिग्री है बड़ी से बड़ी वो क्यूबिक है, चाहे वो ऐसे भी आ सकती है, जरूरी 3 बार आए, x³ + 1 आ जाए, या हम भी x³ भी आ जाए, क्योंकि डिग्री 3 है, तो डिग्री 3 होनी चाहिए उसको हम बड़ी से बड़ी। तो बिगेस्ट पावर इज 3, देन इट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये आपका काम है, ये आपने कर लेना है। मैं 2.2 के 2 क्वेश्चन और बता देता हूँ, या इतना ही कर लो, फिर कल करेंगे इसको, साथ लेना इसको, कल कर बता देंगे पूरी एक्सरसाइज जो अगली वाली है वो।